हेलो एवरीवन, मोयो बोलता है, लिटिल शाओ, हम तो बस अभी थोड़े ही टाइम से नहीं मिले हैं और तुम इतने टाइम में कितनी खूबसूरत हो गई हो। और वो जेंग की आंखों में ही देखे जा रहा था और पलके भी नहीं झपका रहा था। तो ये देखकर मुया दौड़ती हुई मोयो के पास जाकर उसे मारने लग जाती है। तो मोयो उसे उठा लेता है और बोलता है, एक साल से हम नहीं मिले हैं, मुया तो बहुत जल्दी बड़ी हो रही है। तो मुया बोलती है, बैड गाय बैड गाय। मोयू बोलता है, मुया मैं बैड नहीं हूँ, मैं तुम्हारा अंकल हूँ। जिंग बोलती है, मुया ये तुम्हारे सेकंड अंकल है, तुम्हारे डैड के भाई, तो तुम्हें उनके साथ अच्छे से रहना चाहिए। तो मुया बोलती है, लेकिन ये इतने काले क्यों है? तो मुचेन हंसते हुए बोलता है, क्योंकि ये कभी हमारी बातें नहीं सुनता था और हमेशा बाहर ही घूमता रहता है। तो मुया पहले तो कुछ सोचने लग जाती है, फिर बोलती है, मैं एक अच्छी बच्ची हूँ तो आपको मुझे उठाना ही नहीं चाहिए। और मोयू बोलता है, बच्ची के सामने तो मेरी बेइज्जती मत करो। फिर ये सभी साथ में खाना खा रहे थे और जिंग मुया को भी खिला रही थी। फिर मुचेन को बोलती है, खाना खाने के बाद मैं जिंग फैमिली में जाने वाली हूँ। मुचेन बोलता है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। तो जिंग बोलती है, नहीं मैं अकेले चली जाऊंगी, दरअसल बात ऐसी है कि आज जिंग फैमिली में ये किंग और सुजी को साथ में खाना खाने के लिए बुलाया गया है, तो मुझे डर है कि कहीं होंग ह्यो ये किंग को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। फिर सीन शिफ्ट होता है जिंग फैमिली पर। ये किंग खाना बना रही थी तो सुजी उसे बोलता है, ये किंग आई एम सॉरी, मुझे तुम्हें वापस ले जाना चाहिए। ये किंग बोलती है, खाना बनाना तो मुझे बहुत पसंद है, इतनी छोटी बात है उसमें इतना दुखी मत हो। सुजी बोलता है, लिटिल शाओ जल्दी आ जाएगी। तो ये किंग बोलती है, सच्ची? तभी वहाँ पर होंग्यू आ जाती है और बोलती है, डिनर रेडी हुआ कि नहीं, हमें आज ही खाना है, कल या परसों नहीं। ये किंग बोलती है, खाना रेडी हो चुका है, बस उसे सर्व करना ही बाकी है। तभी उनके घर की बेल बजती है तो होंग्यू बोलती है, ये किंग जाओ तो देखो, शायद लिटिल शाओ आई होगी। तो ये किंग दरवाजा खोलने चली जाती है और होंग्यू किसी को मैसेज करती है कि जिंग शाओ यहाँ पर आ गई है। फिर ये सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं और होंग्यू बोलती है, जिंग शाओ ये सूप ट्राई करो, इसे ये किंग ने बनाया है। तो जिंग बोलती है, मुझे ये किंग के हाथों से बना हुआ खाना बहुत पसंद है, पर मैं ऑलरेडी मू फैमिली में खाकर आई हूँ, तो तुम लोग खाओ, मैं थोड़ी देर में घर चली जाऊंगी। और मुया पैसे देखकर खुश होए जा रही थी। तो जिंग उसे बोलती है, मुया ये गुडलक के पैसे हैं जो तुम्हें ग्रैंडपा ने दिए हैं, तो प्लीज उनके सामने तो इसे ओपन मत करो, ये अच्छी बात नहीं कहलाती। मुया बोलती है, ग्रैंडपा ने मुझे ये पैसे दिए हैं, इसका मतलब कहीं वो आपको मुझसे चुरा तो नहीं लेंगे ना। तो ये सभी लोग मुया को देखकर हंसने लग जाते हैं। होंग्यू बोलती है, लिटिल शाओ ये बच्ची तुम्हारे साथ कितना गुल मिल गई है, अब हमें इस बात की कोई फिक्र नहीं है कि तुम इस बच्ची की मॉम बन गई हो। तभी मुया बोलती है, मॉम मुझे घर जाना है। तो जिंग खड़ी हो जाती है और बोलती है, मैंने मुचेन को कहा था कि मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी, उसके बाद हम मुया को फायरवर्क्स दिखाने ले जाएंगे, तो अब मैं यहाँ पर और नहीं रुक सकती, मैं चलती हूँ। मिस्टर जिंग बोलते हैं, लिटिल शाओ काफ़ी रात हो चुकी है, इस बच्ची के साथ तुम्हारा अकेले जाना सेफ नहीं रहेगा, हम खाना खा ले फिर सुजी के साथ चली जाना, थोड़ी देर के लिए बैठो ना यहाँ पर। तो जिंग बोलती है, अरे नहीं, मैं यहाँ पर जैसे आई हूँ वैसे वहाँ पर भी चली जाऊंगी, वैसे भी मू फैमिली कहाँ इतनी दूर है। तो होंग्यू सोचती है, मैं तो चाहती हूँ कि आज तुम और मुचेन एक साथ फायरवर्क्स देख ही ना पाओ। और इसी के साथ ये चैप्टर होता है यही पर ही खत्म। सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा।